आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता इरफान खान ने बताया कि बांगरमऊ जनपद उन्नाव में नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा झारखंड गुड्डू के द्वारा नगर क्षेत्र में लगवाई गई मास्क लाइटें विशेषकर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर और आसरा कॉलोनी में लगाई गई विशेष पावर की मास्क लाइटें जहां पर जगमग हो रहा है क्षेत्र। आपको बता दें कि पालिका क्षेत्र में उजाले का विशेष ध्यान रखते हुए लखनऊ रोड ब्लॉक रोड मोहल्ला बकरियाना सहित कई जगहों पर मास्क लाइटें लगाई गई जिससे बांगरमऊ पालिका क्षेत्र में जगमगाहट अब देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है नगर पालिका क्षेत्र का वैसे वैसे जिम्मेदार अब सक्रियता अपनी बढ़ाने लगे हैं। ये वाला बटन उठा दीजिए, तीनों उठने एक करिए बस धीरे। बहुत सही हुआ। वहाँ और नहीं है माला वहाँ ना, वो तो अलग निकलवा। दूसरी तरफ उन्नाव के दही चौकी थाना से खबर आ रही है जहां पर कूट रचित आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी और अन्य कई दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का किया गया भंडाफोड़। यहां पर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में उनके साथी संजीव कुमार शाह के प्रशांत द्विवेदी हमरा फोर्स स्वाट टीम प्रदीप कुमार मैं हमरा स्वाट टीम सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद में ये मामला प्रकाश में आया। आइए जाने संबंधित जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा। आज दही थाना की टीम और स्वाट टीम प्रभारी के द्वारा चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके द्वारा फूट रचित वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आज बनाए जाते थे। उनके द्वारा जनसेवा केंद्र चलाया जाता था। जनसेवा केंद्र में पहले फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जनरेट करते थे। जब वोटर आईडी कार्ड बन जाता था उसके बाद ये एक जो है टेंडर के द्वारा BSNL के द्वारा टाइप जो है दो लोग हैं इसमें शामिल हैं जिसमें उनको बुलाया जाता था और उनके द्वारा जो है BSNL की साइट पर जा करके जो आधार कार्ड की साइट पर जा करके आधार कार्ड बनाया जाता था। इस तरह कुल मिलाकर के 56 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं और 6 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जब उसका परीक्षण कराया गया तो जो 6 आधार कार्ड हैं उनके जो वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं उस स्थान पर रहने वाले जो पता गलत दिया गया है। इस तरह एक फूट रचित तरीके से आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं। दूसरी तरफ बांगरमऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया सफल सीजर ऑपरेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ में श्रीमती तबस्सुम पत्नी मोहम्मद मोइन अली निवासी फिरोज नगर फतेहपुर चौरासी का सीजर ऑपरेशन किया गया। डिलीवरी के समय बीत जाने के बाद भी मरीज को जब प्रसव पीड़ा नहीं हुई बच्चे का वजन भी काफ़ी बढ़ रहा था तो ऐसे स्थिति में बच्चे की धड़कनें जब कम होती जा रही थी तो ये सब स्थिति देखते हुए डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकेश सिंह से बातचीत करने के बाद सफल सीजर ऑपरेशन किया है। उनके साथ में डॉक्टर डी नाथ डॉक्टर महेंद्र पटेल स्टाफ नर्स सरिता भूमिका एवं संजू आदि की भूमिका रही। मरीज के परिजनों के द्वारा सभी डॉक्टरों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। आपको बताएंगे।